हेलो एवरीवन, मैं शिल्पी एक बार फिर से आपकी अपनी किचन नानूस किचन में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम इंस्टेंट मावा की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। इस रेसिपी को बनाना इतना आसान है, मात्र 5 मिनट में आप मावा घर पर बना के तैयार कर सकते हैं। इसकी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको वीडियो में बताई जाएंगी, तो रिक्वेस्ट है वीडियो को बिना स्किप करें ध्यान से देखें, ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो और आप मावा बहुत ही आसानी से घर पर बनाकर तैयार कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं इंस्टेंट मावा बनाना। इसके लिए हम सबसे पहले 1/2 लीटर दूध लेंगे। इस दूध को हम अपनी कढ़ाई में डाल देंगे। यहाँ हमने 1/2 लीटर दूध का इस्तेमाल किया है। अब हम इसमें 1 कटोरी मिल्क पाउडर डालेंगे। अब हम मिल्क पाउडर को दूध के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि हमें अपनी गैस की फ्लेम को ऑन नहीं करना, ये सारा काम हमें ठंडे दूध में ही करना है। इसे इसमें मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे का प्रोसेस। देखिए मिल्क पाउडर दूध के साथ कितने अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसके अंदर बिल्कुल भी लम्स नहीं रहना चाहिए, हमें लम्स फ्री अपने मिल्क को तैयार करना है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑन कर देते हैं और इसे लगातार चलाते हुए भूनेंगे। इस बात का खास ध्यान रखना है कि जब तक हमारे दूध में उबाल नहीं आता, हमें अपने दूध को कंटिन्यूसली चलाना है। उससे होगा क्या कि जो हमारा मिल्क पाउडर है वो नीचे नहीं जमेगा और हमारे दूध के अंदर गांठें भी नहीं पड़ेंगी। तो इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए इसमें एक उबाला आने देते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस देखते हैं। अब देख सकते हैं दूध में उबाला आ चुका है और हमारे दूध भी थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है उबाल आते ही। अब हमें दूध को लगातार चलाते हुए पकाना है। उबाल आने के बाद हमें गैस की फ्लेम को मीडियम पे कर देना है। इससे होगा क्या कि आपका खोवा जलेगा नहीं और खोवा बहुत अच्छे से बनकर तैयार होगा। इससे हमारे खोवे का रंग भी चेंज नहीं होता। जो साइड में मलाई आ रही है उसे भी हमें इसी के अंदर मिला देना है। हमें खोवे को लगातार चलाते हुए ही भूनना है। आप देख सकते हैं कि ये पहले से कितना थिक हो चुका है। आपको इसकी कंसिस्टेंसी का अच्छे से ध्यान रखना है। आप देख सकते हैं अभी खोवा कितना गाढ़ा है। अभी हमें इसे और पकाना है। हम इसे तकरीबन 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। एक मिनट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि खोवे की कंसिस्टेंसी कैसी है। पहले से हमारा खोवा कितना थिक हो चुका है। अभी इसे 1 मिनट के लिए और पका लेंगे, फिर देखते हैं कि इसे और पकाने की ज़रूरत है या नहीं है। खोवे को नॉनस्टिक पैन में बनाएंगे। अगर आपके पास कोई लोहे की कढ़ाई हो या सिल्वर की कढ़ाई हो तो आप उसे इसमें भी बना सकते हैं। बस हमें ध्यान इस बात का रखना है कि आप जिस भी बर्तन का यूज़ करेंगे उसको जो तली है वो भारी होनी चाहिए, यानी कि हमें भारी पैंदी का बर्तन यूज़ करना है। 1 मिनट और हो चुका है और आप देख सकते हैं कि खोवा कितना थिक हो चुका है। बस हमें इसे हल्का सा और पकाना है, तकरीबन 30 से 40 सेकंड के लिए। उसके बाद हमारा खोवा बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगा। उससे पहले हम यहाँ पर 1 चम्मच देसी घी डाल देंगे। इससे हमारे खोवे का टेक्सचर और हमारे खोवे का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। देखिए खोवे में बिल्कुल भी नमी नहीं रही है। हमें खोवे को इसी टेक्सचर तक पकाना है। आप देख सकते हैं खोवा कितना अच्छे से बनकर तैयार हुआ है, कितना सॉफ्ट खोवा हमारा बनकर तैयार हुआ है। हम इसी तरीके से अपने खोवे को बना लेंगे। मावा बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसे एक बाउल में डाल के इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखिए मावे का टेक्सचर कितना अच्छा आया है। खोवे को बाउल में निकाल लेते हैं।
उसके बाद इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। आप देख सकते हैं कि आधा किलो दूध से हमारा कितना सारा मावा बनके तैयार हुआ है। जब भी आपको मावे की ज़रूरत हो इसी तरीके से ताज़ा ताज़ा मावा घर पर तैयार कीजिए और अपने अनुभव नानूस किचन पर शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुक्रिया।